हेलो बच्चों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो फाइनली आप क्लास 10th पे पहुंच चुके हैं। तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि मैं इसमें आपको ये बताने वाला हूं कि आप पूरे साल में क्लास 10th SSC महाराष्ट्र बोर्ड के लिए कौन कौन सी बुक्स को रेफ़र करने वाले हैं। तो बच्चों, मेरा नाम नासिर शेख है, मैं पिछले 10 से ज़्यादा साल से क्लास 10th को पढ़ा रहा हूँ और यही एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर सब्जेक्ट्स लिखूँगा और उसके बारे में आपको एक एक करके बताते चलूँगा। आपका सब्जेक्ट इंग्लिश होगा, हिंदी होगा, मराठी होगा, फिर आपके पास है साइंस 1 और 2 दोनों, फिर आपके पास है मैथ्स 1 और 2 दोनों, फिर आपके पास है SST यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड ज्योग्राफी। यही आपके पास बुक्स हैं, ठीक है? ये आपके सब्जेक्ट्स होंगे। ये मैं इंग्लिश मीडियम के रिस्पेक्ट में आपके पास बात कर रहा हूँ। तो अगर आप फॉर एग्जांपल अब इंग्लिश से हम शुरू करते हैं, अगर आप इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं तो पूरे साल भर में बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपके पास इंग्लिश की क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। ऑब्वियसली बात है, हर सब्जेक्ट के लिए आपके पास टेक्स्ट बुक होना ज़रूरी है। टेक्स्ट बुक को PDF में नहीं लेना, उसकी आपके पास एक हार्ड कॉपी होनी चाहिए, वो आपको ख़रीदनी है। तो सबसे पहली चीज़ तो टेक्स्ट बुक है, वो सारे सब्जेक्ट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो टेक्स्ट बुक तो आपके पास होनी चाहिए। दूसरी बात, अब आते हैं डाइजेस्ट पर। यहाँ पर डाइजेस्ट या सोल्यूशन जो कहते हैं हम लोग, तो डाइजेस्ट सोल्यूशन कौन सा लेना और कौन सी कंपनी का होना चाहिए, मैं क्लियर कर दूं, वीडियो कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैं किसी पब्लिकेशन के बारे में आपसे बात नहीं करूंगा, बस नाम आपको सजेस्ट करूंगा, वो आपके ऊपर है आपको कौन सी पब्लिकेशन को लेना है। तो आपको कौन सी डाइजेस्ट लेनी चाहिए, मार्केट में कई तरह की डाइजेस्ट आती है, नवनीत आती है, टारगेट आती है, मास्टर की आती है, और भी पता नहीं कई 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 तरह की डाइजेस्ट अलग अलग जगह आती है। तो ये कुछ 2-3 फेमस डाइजेस्ट है या सॉल्यूशंस है जिसका नाम सारे बच्चों को यूजुअली पता होता है। तो आपको कौन सी डाइजेस्ट रेफ़र करनी है, तो अगर आप टॉपर से बात करोगे जो पिछले सालों में कई बार टॉप कर चुके हैं, उनसे बात करोगे तो हर कोई टॉपर अलग अलग आंसर देगा। कोई बोलेगा मैंने नवनीत पढ़ा, कोई बोलेगा मैंने टारगेट पढ़ लिया, कोई बोलेगा मैंने स्कूल के नोट्स पढ़ लिया, और हर कोई अलग आंसर देता है। तो लैंग्वेजेस के लिए कौन सी डाइजेस्ट का यूज़ करना है, इसका कोई परफेक्ट आंसर नहीं है। आप कोई भी डाइजेस्ट रेफ़र कर सकते हो, आपको जैसा ठीक लगे आप वैसे उसको रेफ़र कीजिए, क्योंकि लैंग्वेजेस के अंदर सोमच जो है यूजुअली सेम नहीं आएगा जो आपको दिया है बुक में, वो थोड़ा सा आपको अलग पूछेगा, तो उसके लिए डाइजेस्ट से एग्जैक्टली मिलता जुलता तो आंसर नहीं होगा। पर्सनली मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप इन दोनों में से किसी एक को चूज़ कर सकते हो, नवनीत या टारगेट के लिए आप जा सकते हैं। इनमें से आप कोई भी एक सोल्यूशन को चूज़ कर सकते हैं डाइजेस्ट के लिए। बाकी टेक्स्ट बुक आपके पास होनी चाहिए, लेसन्स आपके थरो होने चाहिए, ये मैंने लैंग्वेजेस के रिस्पेक्ट में आपको बता दिया, ठीक। इसके अलावा अलग से सेपरेट नोट्स बनाने की ज़रूरत है लैंग्वेजेस के अंदर, बिल्कुल नहीं, सिवाय ग्रामर के आपको कोई नोट्स नहीं बनाने। अब इसके बाद मैं आता हूँ इसके ऊपर, हिस्ट्री सिविक्स पॉलिटिकल साइंस एंड ज्योग्राफी के ऊपर। इसके लिए क्या करना है, इसके लिए भी अगेन टेक्स्ट बुक को अच्छे से पढ़ना है। इसके अलावा कौन सी डाइजेस्ट आपको लेनी है, तो कुछ डाइजेस्ट में थोड़े से आंसर्स बड़े होंगे, कुछ में छोटे होंगे। अगर आप बड़े आंसर्स या लेंथी आंसर्स पढ़ सकते हैं तो आप उन डाइजेस्ट की तरफ जाएं। यूजुअली नवनीत वगैरह में आपको आंसर्स थोड़े से लेंथी मिलेंगे, कुछ जगह पर चेतना वगैरह में आपको या मास्टर की जो कहते हैं उसके आंसर्स आपको छोटे मिलेंगे, टारगेट में भी यूजुअली आंसर्स छोटे मिलेंगे, वो आंसर्स 2-2 पॉइंट होते हैं, तो आप वो लिख सकते हैं। हाँ, हो सकता है कि 5-10 आंसर ऐसे हो जहाँ नवनीत में 10-15 पॉइंट हो और यहाँ पे 5-6 पॉइंट हो, ऐसे कुछ आंसर्स है। उसके अलावा बाकी आंसर्स की लेंथ लगभग सेम हो सकती है, तो आप यहाँ पर भी जो चाहे वो रेफ़र कर सकते हैं। मैं पर्सनली यहाँ पर चाहूँगा अगर आपको इसमें रेफ़र करना है तो आप यहाँ पर मास्टर की या टारगेट में से किसी को रेफ़र कर सकते हैं, मास्टर की ले लीजिए या टारगेट पर चले आइए, इनमें से किसी एक को आप रेफ़र कर सकते हैं, जा सकते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा इनकी बात करते हैं, इसमें भी मैथ्स की बात अगर मैं करूं तो मैथ्स के लिए यूजुअली पर्सनली मैं आपको कहूंगा कि अगर आप कोचिंग जाते हैं और स्कूल जाते हैं और आपको अच्छे से पढ़ाया जा रहा है तो पहला तो सोल्यूशन आपका वहीं से बनेगा, क्योंकि आप बोर्ड से नोट डाउन करते हैं, हर प्रॉब्लम कराया जाता है तो आपके पास उसका ऑलरेडी सोल्यूशन होगा, तो उसका सोल्यूशन लेने की एक्चुअली में ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। और कहीं कोई क्वेश्चन नहीं आया या नहीं कराया गया और आपको उसका सोल्यूशन देखना है तो इंटरनेट जिंदाबाद,
इंटरनेट से देख सकते हो, बहुत सारे सॉल्यूशन जो है आपको वहाँ से मिल जाएंगे। तो मैथ्स के लिए पर्सनली मैं बोलूँगा, मेरे हिसाब से कोई सॉल्यूशंस की ज़रूरत अभी तो नहीं है, आपको कोई सॉल्यूशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगेगा तो आप इंटरनेट से देख सकते हैं। हाँ, मैथ्स में जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आते हैं, शायद आपको पता नहीं हो, मैथ्स के अंदर हॉट्स कैटेगरी के क्वेश्चन आते हैं, उसको हम आगे जैसे जैसे टेंथ की जर्नी बढ़ेगी तो मैं आपको इंशाल्लाह उसके बारे में बताऊँगा। सबसे इम्पॉर्टेंट है ये पूरे वीडियो बनाने का मकसद ही एक्चुअली इसके बारे में बात करना है कि भाई साइंस 2 1 2 के लिए क्या करना है, क्योंकि अब अभी आपका जस्ट टेंथ शुरू हुआ है, कुछ दिन में आपको मालूम पड़ जाएगा कि साइंस 1 2 क्या चीज़ है। भाई साइंस 1 2 के बारे में पहले ये बता दूँ कि इसमें दिक्कत ये है कि जो दिया होता है टेक्स्ट बुक के पीछे उसमें से बहुत कम या आता नहीं है। तो कहाँ से आता है? टेक्स्ट बुक के बीच में से आता है। फिर उसके बाद क्या करते हैं बच्चे, डाइजेस्ट खरीदते हैं, नवनीत खरीद ली या टारगेट खरीद लिया, कोई और खरीद ली। इसके अंदर बच्चों को प्रॉब्लम ये होता है कि हर चैप्टर के अंदर नंबर ऑफ़ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होता है, किसी में 50-50 फिलअप है, 10-10 मैच द कॉलम्स है, नेम द फॉलोइंग 50-50 है, वन वर्ड है, गिव रीज़न ज़्यादा है। तो बच्चा परेशान हो जाता है कि सर इतने सारे आंसर है तो मैं साइंस को पढ़ूंगा कहाँ और इतने सारे आंसर याद कैसे करूँगा। तो सुनो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ, साइंस 1 2 के लिए आपकी मेजर एक ही चीज़ आपको बार बार देखनी होगा, कौन है वो? टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक को रीड करो, जितना ज़्यादा रीड करोगे टेक्स्ट बुक को उतना बेहतर होगा आपके लिए। हाँ, तो आप बोलेंगे सर फिर इतने सारे वो क्वेश्चन आंसर्स हैं, आप टेक्स्ट बुक को अच्छे से रीड करो, उसका कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छे से लो, चाहे स्कूल से लो, कोचिंग से लो, यूट्यूब से लो, जहाँ से पढ़ो उसकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को क्लियर रखो। बहुत लंबे लंबे आंसर नहीं आएंगे मगअप करने वाले, खासकर साइंस 1 में, साइंस 2 में भी बहुत बड़े आंसर्स नहीं आते हैं। तो आपको टेक्स्ट बुक को अच्छे से रीड करना है, डाइजेस्ट इसमें कोई भी ले सकते हो। अगर सिर्फ टेक्स्टुअल के लिए चाहिए तो टारगेट की एक डाइजेस्ट आती है जिसमें सिर्फ टेक्स्टुअल होता है। अगर आपको टेक्स्टुअल नॉन टेक्स्टुअल दोनों के लिए चाहिए तो नवनीत के लिए भी आ सकते हो, ऐसा टारगेट के लिए भी आता है, वैसा ही मास्टर की भी है आपके पास, ठीक है। तो इसके अंदर भी डाइजेस्ट का कोई स्पेसिफिक ये नहीं है कि आपको यही डाइजेस्ट लेनी है या इसी से ही पढ़ना है, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं। बट किससे पढ़ना ज़रूरी है? टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक को अच्छे से रीड करो, टेक्स्ट बैक के क्वेश्चंस को सॉल्व करो, बाहर के जो क्वेश्चंस आएंगे, मतलब जो टेक्स्ट बैक के पीछे से नहीं आएंगे, टेक्स्ट बुक के बीच के जो क्वेश्चंस है वो कहाँ से मिलेंगे आपको? लेसन की अंडरस्टैंडिंग से ही मिलेंगे। बाकी डाइजेस्ट पढ़ने से 100-150 क्वेश्चन करने से ज़्यादा हेल्प नहीं मिलेगी। उससे बेटर क्या है, आप टेक्स्ट बुक की क्लैरिटी को रखो, ठीक है। तो आई होप सो वीडियो में सारी बातें क्लियर हैं। फिर भी अगर कोई डाउट है कॉमेंट सेक्शन में मेंशन करो, ज़रूर पूछो। जो पुराने बच्चे जो मुझे देख रहे हैं, जो अभी 11th में इंशाल्लाह जाने वाले हैं, तो प्लीज़ अपने जूनियर्स को ये वीडियो फॉरवर्ड करो, चैनल को थोड़ा शेयर करो, ताकि जेन्युइन कंटेंट बच्चे तक जाए और हम अच्छे से बच्चों को पढ़ा पाए। टिल देन कीप वर्किंग हार्ड, ऑल द बेस्ट।